ऑल राइट गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी को लेकर। तो बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मोटोलॉगिंग कम्युनिटी में हो रहे एक नए लफड़े के बारे में। जी हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं, यूके जरोसों राइटर एंड जट प्रभजोत के बीच एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो यार, जैसा कि आप सब जानते हैं, जट प्रभजोत उनके ब्लॉग्स में यूके जरोसों राइटर को बीच बीच में पोक करते रहते हैं। तो इसी चीज को लेकर कल यूके जरोसों राइटर की साइड से एक आउट हुआ, जिसमें वो जट प्रभजोत को रिप्लाई किया एंड इसके साथ ही वो एक और स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो ये बताया कि जब जट प्रभजोत का एक्सीडेंट हुआ था तब उन्होंने जट प्रभजोत को हॉस्पिटल में बिल्स वगैरह देने में हेल्प आउट किया था एंड अभी वही बंदे उनको अपने ब्लॉग्स में बार बार पोक कर रहे हैं। बाकी गाइस, जट प्रभजोत को रिप्लाई करते हुए यूके जरोसों राइटर ने उनके ब्लॉग में क्या कुछ कहा, आप देखिए। जिन लोगों को मैं देख करके बड़ा हुआ था ना, आज वही लोग हर वीडियो में पोक कर रहे हैं। जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा था ना, आज उन्हीं लोगों के कारण मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। निखिल भाई इज वन ऑफ देम, फ्लाइंग बीस्ट इज वन ऑफ देम, और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को देख करके मैंने एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग सीखी है। जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आया था कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर दो। मैंने कभी शायद बताई भी नहीं होगी पब्लिकली, बिकॉज मेरी कर्टेसी थी कि यार, जिन लोगों के कारण शायद आज मैं कुछ बन पाया हूँ, अगर उन्हें थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है तो आई विल डू इट। बट आज मैं देख रहा हूँ कि हर वीडियो में पोक, कभी ये कभी वो। देखो, पोक करने के लिए मेरे पास भी 10 ऑप्शन, मैं भी हर वीडियो में पोक कर सकता हूँ, बट आई वोंट डू इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्लॉग्स। आप गाड़ी में व्लॉग कर रहे हो, आप बाइक पे व्लॉग कर रहे हो, भगवान करे आप लैम्बो में व्लॉग करो। भगवान करे अगर आप आज की डेट पे ही सीरी यूज नंबर वन मोटो व्लॉगर पूछो ना, तो आपका नाम सामने है। आई विल बी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मैंने आपसे चीजें सीख करके आगे बढ़ो। एज में, दिमाग में आप बहुत बड़े हो मेरे से, है ना। यू शुड रियलाइज कि ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। 35-40 साल की उम्र में आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो ये चीजें ना आपको शोभा नहीं देती। बाकी हेल्दी कंपटीशन रखना है, रखो, बट अगर आप नेगेटिव पोकिंग ये सारी चीजें करोगे तो इट्स बैड फॉर योर ऑडियंस। होप आपकी ऑडियंस समझे। सो गाइज, अभी यूके जरोसों राइडर के इस रिप्लाई के बाद जट प्रभजोत की साइड से आज एक ब्लॉग आउट हुआ, जिसमें वो यूके जरोसों राइडर को काउंटर रिप्लाई दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो यूके जरोसों राइडर की हॉस्पिटल में बिल देने वाली बात के ऊपर रिएक्ट किया एंड वो ये बताया कि यूके जरोसों राइडर ने ये सब बिल्कुल झूठ बोला है। एंड बाकी इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। ऐसी वीडियो डाली कि हॉस्पिटल के बिल की बात हो रही थी कहीं पर, कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पे किया है। जो मेरा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था ना, मतलब अच्छे लेवल पे हुआ था, और तुमने क्या ही पे कर दिया। और मतलब कहां पे कर दिया, किसको कर दिया? क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। जो बंदा बोल रहा है उसको बोलना, कमेंट सेक्शन में मेल डालो, जो मर्जी डालो, कि भाई कहीं प्रूफ है ना, तो वो प्रूफ दिखा मेल उस पे अपनी वीडियो में। जो हॉस्पिटल वाली बात बोली ना भाई, ये सुन के बहुत ज्यादा दिल दुखा। ये मेरे को बहुत चुभी है। मैं सच में चाहता हूँ कि भाई, अगर तेरे में दम है ना, जो भी बोल रहा है तेरे में दम है, तो इस चीज का प्रूफ दिखाओ। इसके बाद गाइस, जो पोकिंग वाला सीन है उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जट प्रभजोत ने क्या कहा, आप देखिए। यूट्यूब पे इतना मत बोलो, कुछ दिक्कत है ना भाई, पर्सनली सबके पास एक दूसरे के नंबर है, फोन करो, बात करो, चीजें क्लियर करो। और हम किसी को कभी पोक नहीं करते, हम किसी को कभी पोक नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं। मेरे को लग रहा है शायद उनको ये बात बुरी लगी होगी, जिसने भी ये चीज बोली कि 6 महीने के लिए हम कार रेंट पे लाते हैं, ये लाते। भाई, बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज कर रहे हैं, बहुत सारे दुनिया कर रही है। आप नहीं कर रहे तो इच ओके, आप अपने बॉडी पे लो। आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप कर रहे हो, ये बात है, नहीं तो दुनिया कर रही है। भाई, बहुत सारे यूट्यूबर है जो 6 महीने के लिए चीज रेंट पे लाते हैं, ठीक है ना यार। ऑल्सो गाइस, जट प्रभजोत ने बताया कि अगर वो मुंबई कर निखिल, जेएस फिल्म्स, उन सबको अपना गुरु मानता है, तो वो उन सबको इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करता। एंड वो ये बताया कि वो ये सब बस दिखावे के लिए बोल रहा है, बाकी अगर वो उन सबको गुरु मानता तो वो उन सबको फॉलो करता। सो गाइस, ये सब तो था रिप्लाई जट प्रभजोत का यूके जरोसों राइडर के लिए। बट मैं आपको बता दूं, जट प्रभजोत ने उनके व्लॉग में यूके जरोसों राइडर को एक्सपोज भी किया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ब्रांड्स करते हैं। सो जो जटबाजी के साथ सैमेरन है, वो बहुत टाइम पहले किसी ब्रांड एजेंसी के साथ काम करता था। सो गाइस, जट प्रभजोत ने बताया कि बहुत टाइम पहले सैमेरन ने यूके जरोसों राइडर को कोई डील करवाई थी, जिसमें उनके बीच ये बात हुई थी कि जो भी डील हुई है उसमें से 10% जो है सैमेरन को मिलेगा। बट गाइस, सैमेरन ने बताया कि जब ब्रांड की तरफ से यूके जरोसों राइडर को सारे पैसे आ गए, तो उन्होंने उनके साथ स्कैम कर दिया। मतलब जो 10% उनको सैमेरन को देना था, वो उन्होंने उनको नहीं दिया। ऑल्सो गाइज, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये 2-3 साल पुरानी बात है। एंड जट प्रभजोत ने उनके व्लॉग में बताया कि इस चीज का उनके पास अभी भी प्रॉपर प्रूफ है। तो गाइज, क्या कहते हो आप इनकी ओवरऑल पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलवी शादो एंड मोमिन साकिब के बारे में। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के इस बंदे को जानते होंगे, जो कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, इस वाले मीम से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। सो गाइज, रिसेंटली मोमिन साकिब की साइड से एक रील आउट हुई, जिसमें वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फ्यूचर में होने वाले मैचेस के बारे में बात किया एंड वो ये बताया कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान इंडिया को हराने वाला है। What?
थम जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, जज्बात बदल जाएंगे, क्योंकि 2024 विल बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। सबसे पहले तो 9 जून पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वर्ल्ड कप के बिल्कुल बाद जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रहा है, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड्स एक दफा फिर से खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। लाला, रजाक, यूनस, हरभजन, इरफान पठान, युवराज, लव देम ऑल। हम फिर से रिलिव करेंगे वो हिस्टोरिक 2007-6 के मोमेंट्स, और पाकिस्तानियों गेट रेडी टू सेलिब्रेट, क्योंकि पहले हमने यूएस में जीतना है, फिर बर्मिंघम में। लॉट्स ऑफ लव। सो गाइज, मोमिन साकिब की इस रील के बाद एलवी शादो की साइड से कल एक रील आउट हुई जिसमें वो मोमिन साकिब को रिप्लाई किया। सो उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। भाई साहब हैं जो पाकिस्तान से, उनका नाम है मोमिन जी, भाई कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में, इंडिया उसमें हारेगा, उसके बाद कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है जो बर्मिंघम में होने वाली है, इंडिया उसमें भी हारेगा। देखो, गलतफहमी का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ लो। एक इंसान कहीं पे बैठ के कुछ भी बोल सकता है, सपने देख सकता है, तो मैं मोमिन जी आपको सीधा बोलना चाहूंगा, आप न्यूयॉर्क में भी हारोगे, आप बर्मिंघम में भी हारोगे, मैं ट्राई करूंगा यूएस आने की भी और बर्मिंघम आने की भी, समझ रहे हो। पता है क्या करने, आपकी टीम को हारते हुए देखने, और तब मैं आपको हाथ मिला कैसे बोलूंगा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। सी यू। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जानू स्टंट्स की साइड से। सो गाइस, उनकी साइड से कल एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें मैं आपको बता दूं, जानू स्टंट्स ने एक पॉइंट पे आमिर माजिद को इग्नोर कर दिया। जी हां गाइस, जब वो उनके कल के व्लॉग में बाइक को पीपीएफ करवा के वापस जा रहे थे, तो तभी एक पॉइंट पर हमें उनके आगे आमिर माजिद की बीएमडब्ल्यू गाड़ी दिखी, जिसके बाद जानू स्टंट्स आमिर माजिद को इग्नोर करते हुए आगे चले गए। हेलो, ऑल्सो गाइज, मैं आपको बता दूं, आशु यूके राइडर की साइड से जानू स्टंट्स के साथ कल एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें जानू स्टंट्स आमिर माजिद को इनडायरेक्टली पोक करते हैं। बेसिकली गाइज, ये तब का व्लॉग है जब जानू स्टंट्स रिसेंटली उत्तराखंड गए थे। सो गाइज, जानू स्टंट्स ने आमिर माजिद को पोक करते हुए क्या कहा वो देखने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, बिकॉज मैं आपको इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी से अपडेटेड रखता हूं। कल का तो आप लोगों का सीन है, मेरा तो कोई सीन नहीं यार, एक्चुअली दो चार दल्ले यार यहां पे ना उत्तराखंड में, तो जैसे आपके जम्मू में दो चार, जो अपने आप दो चार नहीं है वहाँ पे एक ही है। यार वहाँ पे एक ही, यहाँ पे दो चार है। अच्छा, उनकी वजह से ना जाना नहीं हो रहा, मैंने कहा छोड़ो यार, फिर आप लोग ही घूमो, आप लोग मीटअप करना फिर आराम से। सो गाइस, क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेपी व्लॉग्स एंड यूके 07 राइडर के बारे में। सो यार, मैं आपको बता दूं, लगभग एक साल पहले जेपी व्लॉग्स उत्तराखंड गए थे यूके 07 राइडर से मिलने, जिसका कि वो अपने चैनल पर व्लॉग भी अपलोड किए थे, एंड वहां पर वो यूके 07 राइडर के साथ एज अ फैन मिले थे। बट गाइज, अभी जब एक साल बाद रिसेंटली यूके 07 राइडर ने उनके चैनल पर इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया, तो उसके बाद जेपी व्लॉग्स ने भी उनके इंस्टाग्राम पर यूके 07 राइडर की चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारी रील्स अपलोड की, जिन पर कि उनको अच्छे खासे व्यूज भी आए हैं। सो चलिए, मैं आपको उनकी कोई रील दिखा देता हूँ। यूके 07 राइडर, अभी तक तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, अगर भाई तेरे भी अमानत, तू भाई ये एक्सेप्ट करके बता, ये चैलेंज मिलते हैं तेरे को, तेरे शहर में जम्मू तो आने से रहा, बाकी अपनी ट्रेनिंग वगैरह पूरी कर ले, बॉक्सिंग फाइट के। सो गाइस, जेपी व्लॉग्स की इस चैलेंज के बाद यूके 07 राइडर ने उनके कल के व्लॉग में जेपी व्लॉग्स को रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा बोला है। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक बॉक्सिंग चैलेंज दिया था, एंड उस बॉक्सिंग चैलेंज में ना बहुत लोगों के चैलेंजेस आए, बहुत लोगों के चैलेंजेस, जो मेरे फैन थे ना, जो घर में फोटो खिंचाने आते थे, वो भी चैलेंज करते हुए घूम रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अरमान राइडर की साइड से। तो यार, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रो राइडर 1000 के पापा बहुत बार आमिर माजिद को ट्रोल करते रहते हैं, एंड जैसा कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में भी अपडेट दी थी जिसमें प्रो राइडर 1000 के पापा ने आमिर माजिद को ट्रोल करा था, तो गाइज आमिर माजिद के बिहाफ पर अरमान राइडर की साइड से कल एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें वो प्रो राइडर 1000 के पापा को रिप्लाई दिया। सो उनको रिप्लाई करते हुए अरमान राइडर ने उनके व्लॉग में क्या कुछ कहा, आप देखिए। प्रो राइडर, उसके पापा ने भी क्या किया है कि मतलब आमिर भाई को ट्रोल किया कि भाई 500 कितने थे, उसके साथ वाले जो साथी थे उन्होंने भी बड़ी सारी बातें शातें मतलब बोली हुई थी, उनके दिल के अंदर भाई क्या सिस्टम चल रहा है वो हम नहीं जान सकते, वो एक बेहतर एक बाप ही जान सकता है, ठीक है। लेकिन भाई इतना भी मत बोलो, क्योंकि उसका भी दोस्त था उस टाइम पे, ना तो उसके पापा साथ थे ना तो कोई और बंदा, उस रोड पे खाली आमिर भाई और प्रो राइडर जो था भाई वो दोनों गए थे, ठीक है, रेस करने के लिए 300 मारने के लिए निकले थे, ठीक है। अब बड़े सारे बंदों ने बीच में से बड़ी बातें की, भाई आमिर भाई गलत है, आमिर भाई की वजह से डेथ हुई है, आमिर भाई ने मारा है उसको, ये किया है वो किया, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई किसी को नहीं मार सकता आज के टाइम में। वो चाहता तो वो रिप्लाई भी देता इस बात का, रिप्लाई इसलिए नहीं करता है कि यार एक बाप के दिल पे बेटे का दुख है ना, उसके बारे में क्या ही वो रिप्लाई
ट्राई करेगा। ऑल्सो गाइज, अरमान राइडर ने उनकी वीडियो में और भी बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है, तो अगर आपको फुल वीडियो देखनी है, फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम फिर से बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स के बारे में। सो गाइज, ब्लॉग्स बाय सुमित की साइड से आज एक ब्लॉग आउट हुआ जिसमें उन्होंने हिंट देते हुए बताया कि शायद से जानू स्टंट्स एक नई गाड़ी मर्सिडीज लेने वाले हैं। गाइज एक हिंट दे देता हूँ, क्या पता ये सरप्राइज आने वाला है। और भाई चला रहा कौन है, जी स्टंट्स देख रहे हो भाई, क्या पता डील हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। एक हिंट आपको दे दिया भाई, ये मर्सिडीज का भाई, और मॉडल कौन सा है मर्सिडीज का वो आप देख सकते हो भाई, 300D। सो गाइज यार, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।